अच्छा, ये खबर मुझे सिर्फ इंडियन मीडिया पे हिंदुस्तान टाइम्स में मिलती है, इसके ऊपर वीडियो वगैरह, और उसमें ये कहा जा रहा है कि रशिया वॉर्न्स पाकिस्तान आफ्टर यूक्रेन बिट्रेल, यानी रशिया पाकिस्तान ने शायद उसके साथ कोई धोखा कर दिया है, और उसमें ये है कि वो क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं कि क्या यूक्रेन को कहीं इस तरफ से कोई असलहा तो नहीं भेजा गया, ये तो नहीं भेजा गया। अच्छा, मिंदर सर, मैं स्वागत करता हूँ डिजिटल रेजिमेंट एसडी में आपका। उम्मीद करता हूँ आप खुश और स्वस्थ है दोस्तों। दोस्तों, पाकिस्तान ने एक बार फिर से उसी थाली में छेद कर दिया जिसमें वो खाता है, क्योंकि अब की बार मामला ये हुआ है कि रसिया ने पाकिस्तान पे कड़ा एक्शन लेने की सोच ली है, क्योंकि पाकिस्तान रसिया को पता चल गया है कि यूक्रेन युद्ध में कहीं ना कहीं जो यूज हुए हथियार या कहीं से भीख मांगे हुए हथियार हथियार जो थे वो सारे के सारे यूक्रेन को दिए रसिया के खिलाफ। तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में आप देखोगे कैसे की, और फॉरेन पॉलिसी के बारे में पहले देखिए आप वीडियो। इंडिया ने इंडिया ओपन्स लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर फैक्ट्री इन न्यू डिफेंस पुश, ये है डॉन की खबर, बाकी जगहों पे भी पब्लिश हो रही है, इसकी डिटेल्स में हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं एक और खबर पर बात करना चाहती हूँ। अच्छा, ये खबर मुझे सिर्फ इंडियन मीडिया पे हिंदुस्तान टाइम्स में मिलती है, इसके ऊपर वीडियो वगैरह, और उसमें ये कहा जा रहा है कि रशिया वॉर्न्स पाकिस्तान आफ्टर यूक्रेन बिट्रेयल, यानी रशिया पाकिस्तान ने शायद उसके साथ कोई धोखा कर दिया है, और उसमें ये है कि वो क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं कि क्या यूक्रेन को कहीं इस तरफ से कोई असलहा तो नहीं भेजा गया, ये तो नहीं भेजा गया। अच्छा, इस पे मैं पहले आपको अपना नुक्ते नजर बता दूं, और मैं चाहूंगी कि आप इसके ऊपर जरा फरमाएं कि मैं तो इस पे ही बड़ा हैरान हुई कि अच्छा हम भी ऐसी चीजें बना लेते हैं कि जो हम अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको। जी फिर मुझे, मैंने कहा ये तो बड़ी खुशी की बात, हम इतने तरक्की याफ्ता हो गए। अच्छा, फिर उसके बाद मुझे ये जो है कि धोखा दही या आपने बेवफाई की, इसके ऊपर ये है कि हमारी तो रशिया से कोई ऐसे ताल्लुकात ही नहीं, यानी अभी सिर्फ बहुत अरसे के बाद हुआ, और वो भी तेल का, तो फिर वो मैक्सिमम जो है वो क्या होगा कि जी तेल उस तरफ से वो हो जाएगा, तो इसके बहुत सारे एंगल से बात करने वाले, लेकिन प्लीज मुझे इसके ऊपर फरमाइएगा, इस कुछ जगहों पर जो है ये मुझे खबर मिल रही है। तो आपकी ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि सिवाय इंडियन मीडिया के कोई इसको कवर नहीं कर रहा, तो इंडियन मीडिया में ही काफी इस पे तवज्जो है। दूसरी चीज ये है कि मैंने उन खबर को पढ़ी है और मेरे ख्याल से देर आर टू थिंग्स गोइंग ऑन न्यूज रिपोर्ट्स में। एक रिपोर्टिंग चल रही है, दूसरी इंडिया की एक नैरेटिव चल रही है। मुझे थोड़ा सा शक है कि कहीं डिले हो गया। आई थिंक दिस वॉज टू बी टाइम्ड विथ आपके फॉरेन मिनिस्टर की ट्रिप टू रशिया। सोचे अगर बिलावल भुट्टो रशिया में मॉस्को में पहुंचकर मदद मांगते हैं कि भाई हमको तेल थोड़ा सस्ते में दे दें, प्रोवाइड अस विद सम बेनिफिट्स, और ये मीडिया में ब्रेक हो रही होगी न्यूज, इट वुड हैव बीन अ सोर्स ऑफ ग्रेट एम्बैरेसमेंट टू हिम। लेकिन अगर आप, मेरे ख्याल से फ्रंटियर पोस्ट नाम का कोई अखबार है जिसमें जो तफसील से जो डिटेल्स है, इट इज वेरी क्लियर कि ये रॉ ने रिलीज की है मीडिया के लिए। सर फ्रंटियर पाकिस्तान का आप कह रहे हैं, नहीं, पोस्ट की बात कर रहा था मैं, भी डिटेल्स में पढ़ा। मेरे ख्याल से दैट इज द प्लेस जहाँ पोंकी शर्मा गई है आजकल वायन से। जी हाँ नहीं डॉक्टर साहब, मैं कह रही थी कि पाकिस्तान में भी एक फ्रंटियर पोस्ट हुआ करता था, जो अब मेरा ख्याल है दी पोस्ट या इस तरीके से इस नाम से है, इसलिए मैंने चाहिए आप उसकी सो बात। ओके उसके उसमें काफी डिटेल है। तो उसमें ना सिर्फ उन्होंने आइटमाइज किया है कि पाकिस्तान ने क्या बेचा है, यानी फॉर एग्जांपल वो जो मोर्टर के शेल्स हैं वो शेल्स बेचे, बेसिकली एम्यूनिशन सप्लाई कर रहा है, और उसके बदले पाकिस्तान को क्या मिल रहा है यूक्रेन से। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के पास यूक्रेन के 320 टैंके हैं, टैंक्स, तो उसकी जो सर्विसिंग और मेंटेनेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है $86 मिलियन का, वो भी पाकिस्तान को मिल रहा है इन एक्सचेंज फॉर सेलिंग दीज वेपन्स। उन्होंने उस रिपोर्ट में ये भी कहा कि किस पानी के जहाज से ये सामान जा रहा है। इट इज गोइंग ऑल द वे टूवर्ड्स ग्रीस, ग्रीस से वो पोलैंड, पोलैंड से यूक्रेन को जाएगा। सो डेट्स वगैरह भी काफी डिटेल से रिलीज की है इंफॉर्मेशन। सो इट इज वेरी क्लियरली एन इंटेलिजेंस लीक, आपके पास से कहीं इंटेलिजेंस लीक हुई। दूसरी चीज ये है कि आई एम नॉट सरप्राइज कि ये हो रहा है, क्योंकि इससे पहले भी एक खबर आई थी, आपको याद है, एक प्लेन गिर गया था जिसमें हथियार थे। सो द अजम्पशन वाज कि ये ब्रिटिश एयरफोर्स का प्लेन था जो पाकिस्तान से हथियार, गोलियां वगैरह लेकर यूक्रेन की तरफ जा रहा था। सो देर वॉज दिस रिपोर्ट 4-5 महीने पहले, मेरे पास वक्त नहीं था टू पुल इट ऑफ, सो डिटेल्स में नहीं। सो देर वॉज दिस फीलिंग के, लेकिन द टोटल अमाउंट इज, मतलब ये
बिलियंस वाला डील नहीं है, ये मिलियंस की डील है। इट इज अ फ्यू हंड्रेड मिलियन का टोटल डील है पाकिस्तान के लिए। सो इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प पाकिस्तान की फॉरेन एक्सचेंज का जो मसला है, प्रॉब्लम उसको सॉल्व नहीं करेगा। बट द कॉनोटेशन ये है कि बिकॉज पाकिस्तान इज हेल्पिंग द वेस्ट आर्म यूक्रेन, वेस्ट की तरफ से पाकिस्तान की तरफ के लिए मदद वगैरह, यानी फॉर एग्जाम्पल समबडी इन वॉशिंगटन विल मेक ए फोन कॉल टू IMF सेइंग जरा हाथ यू नो धीरे रखो, इस तरह की चीजें। तो फॉरेन एड मिलने में पाकिस्तान को थोड़ी आसानी होगी बिकॉज दे आर हेल्पिंग द वेस्ट, दैट इज द अदर ऑप्शन। दूसरी चीज ये है कि जो रशिया वाला नैरेटिव है ना, रशिया इज अपसेट, रशिया को धोखा हो गया, ये मेरे ख्याल से इंडिया की तरफ से दिस इज देयर स्पिन नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं वो, ताकि जो आपको चांसेस थे जो तेल सस्ते मिले वो अब नहीं मिलेगा। सम सीनियर रशियन एग्जीक्यूटिव हु इज गोइंग टू मेक द डिसीजन, अगर वो पढ़ लेता है ये खबर तो आई एम श्योर इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट हैपिली। ओके, पाकिस्तान या रशिया की तरफ से कोई डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट आता है इस मसले पर या नहीं, दैट इज द क्वेश्चन टू लुक एट। जी ओके डॉक्टर साहब, आपने जो ये तजिया पेश किया उसमें एक तो ये कि जो IMF तो हमारे साथ मजीद बहुत ज्यादा टफ हो रहा है, वो तो हर थोड़ी देर के बाद एक डिमांड आ रही है, उसको तो थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए था, इसके बाद वो तो उल्टा हो रहा है। दूसरी एक और बात, ये जो हम बात कर रहे हैं ना सर, ये असल में जो जब आप इसको पढ़ते हैं खबर को तो पता ही चलता है कि ये किसने कही है। ये कहा गया है रशियन एम्बेसिडर टू इंडिया डेनिस एलिपोव, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसका ये इसके अंदर वो रिपोर्ट किया गया है कि उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात की कि हम बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। तो रशिया ने पाकिस्तान को तो कुछ भी नहीं कहा, यानी या तो पाकिस्तान के पे कहते, यानी वहां पर अगर कॉन्फ्रेंस हो रही है तो ये वाली बात करना तो ये अजीब सी बात है। अच्छा सर, इसमें एक और बात ये भी है कि अगर आप देखें वेस्ट और बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, और अगर अब हम रशिया की बात कर लें तो अगर हम पास में जाएं और अभी तक देखें तो बहुत सारे ऐसे रहे इवेंट्स दुनिया में और वाकई के उन्होंने भी ऐसा काम, यानी दूसरों को जो है वो असलहे की जो बात की जा रही है वो रहा है, तो फिर ये क्यों बात, यानी मैं सिर्फ इसको मैं इसको ये नहीं कह रही कि सही किया या गलत किया, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या दुनिया में इस तरह के कोई कवानीन है कि ये गलत है और ये सही है और उनको फिर कंट्रीज फॉलो करती हैं क्या? नहीं देखिए, दिस इज ये जो लव्स है कोलिशन ऑफ द विलिंग कहते हैं ना, तो दिस इज अ कोलिशन ऑफ द विलिंग जो यूक्रेन को मदद कर रहा है। तकरीबन 50 कंट्रीज का ये एक कोलिशन है विच इज डिटरमाइंड, जिसमें नेटो भी है और नेटो से हट के वेस्टर्न जो एलाइज है वो भी इनडायरेक्टली मदद कर रहे हैं। और कल मैं एक यहाँ पर डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था मिड अटलांटिक, जहाँ पर जेक सलिवन भी थे, केन्या के प्रेसिडेंट भी बात कर रहे थे बाई जूम। तो एक रिपब्लिकन सेनेटर कॉल पोर्टमैन, रॉब पोर्टमैन आए हुए थे। तो जब उनको इंट्रोड्यूस किया गया तो इंट्रोड्यूस किया गया कि ये रिलेंटलेस सपोर्टर है यूक्रेन के, और इतनी तालियां बजी हॉल में। सो एक वेस्ट में इसको एज ए मेजर मॉरल इनिशिएटिव देखा जा रहा है यूक्रेन को सपोर्ट करना, और वो जो नैरेटिव पैदा हो गया कि यूक्रेन इज फाइटिंग फॉर ग्लोबल डेमोक्रेसी अगेंस्ट अथॉरिटेरियन, तो उसमें यह हो गया है कि अमेरिका इज एबल टू एग्जर्ट अ लॉट ऑफ प्रेशर। आपने ये भी खबर सुनी होगी कि यूक्रेन के एक सीनियर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ने, आपने देखा कैसे आज पाकिस्तानी मीडिया अली असा सीधा सीधा कह रही थी कि सबसे पहला मैटर टॉपिक तो ये था कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से रशिया के सीने में छुरा घोंप दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने यूक्रेन को जो इनको भीख में मिले हुए जो हथियार थे वो हथियार रूस के खिलाफ यूक्रेन तक पहुंचाए हैं, तो कहीं ना कहीं आज जो रशिया से आने वाली जो मदद थी उस पर भी अब तलवार लटक चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान अब एक बुरी स्थिति में फंस चुका है। अगर रशिया को पूरा श्योर हो जाता है तो एक पाकिस्तान के लिए बड़ी ही भयंकर दुर्गति वाली सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि अब आने वाले समय में पाकिस्तान की इकोनॉमिकल सिचुएशन तो वैसे ही ख़राब है, जबकि थोड़े बहुत एक दो दोस्त जो मुल्क थे वो मुल्क थोड़ी बहुत सहायता करते थे वो भी अब नहीं करेंगे। आज कैसे भारत की डिप्लोमेसी का डिस्कशन इस डिबेट में आपने सुना, कैसे भारत ने अपने पैर पसारे और पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी पर राज करने लगा, जबकि दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान के हालात देखे जाए तो पाकिस्तान के हालात
बातों में कोई सुधार इस डिबेट में आपने सुना नहीं हो रहा है, जबकि एक दुश्मन जरूर पैदा हो रहे हैं। अगर ये मामला कहीं भी सामने आ गया और किसी ने भी सुन लिया और ये साबित हो जाता है कि यूक्रेन को पाकिस्तान ने जो अपने पास रखे हुए जो हथियार थे किसी भी लालच में दिए, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही बुरी स्थिति और बहुत ही बुरा वाक्य साबित होने वाला है, क्योंकि ये हरकत ये कर भी सकते हैं, क्योंकि इनको हमेशा से सिर्फ और सिर्फ शांति शांति को भंग करने में अगर कोई भी काम करना होता है तो पाकिस्तान सबसे पहले भाग के आ जाता है। तो आलिया साहब सीधा सीधा कह रही थी, हमारे पास ऐसा क्या सिस्टम था, हमारे पास कौन सी ऐसी फैक्ट्री थी, जबकि इसके नीचे नाक के नीचे इनको पता ही नहीं होता पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन है वो कर क्या रहे हैं, क्योंकि एकदम से ये धमाका होता है और किसी भी अप्रिय घटना में पाकिस्तान का इन्वॉल्व होना बहुत ही लाजमी और हमेशा से हम इतिहास के पन्नों में सुनते आए हैं। तो कैसे पाकिस्तान का दोहरा चरित्र एक बार फिर से उजागर हो चुका है, अगर ये उजागर हो जाता है तो रशिया तेल की जो डील थी उस पर भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक से एक पाक मीडिया के लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों।